Hello students, welcome in my new lecture of Kriya Sarirs. In my last class, I taught you about the cardiac cycle. And in that reference, I have completed the definitions and the phases of cardiac cycle. So today, I will discuss about the phases of cardiac cycle in details. So before going to start the cardiac cycle phases in detail, I want to tell you, just try to understand and make a rough diagram in your mind. Don't memorize or remember just by रट्टा, मतलब रटना नहीं मारना है आपको, just समझना है. तो सारा खेल है वो वॉल्व्स का खेल है बस. वॉल्व दो तरीके के होते हैं, एक सेमिलुनर वॉल्व्स और एक एवी वॉल्व, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो देयर आर द एट फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल. द फर्स्ट फेज इज द आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शंस. इट इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन. तो जितने भी फेज हैं उन सारे फेज में पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, उस फेज को ऐसा फेज क्यों कहते हैं. ठीक है, तो आइसो शब्द का मतलब सेम, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, मेट्रिक का मतलब लेंथ, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब सिस्टोल. ये कॉन्ट्रेक्शन या सिस्टोल की वह अवस्था है जिसमें वेंट्रिकल के ना तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होता है और ना ही इसके आयतन में कोई परिवर्तन होता है. दिस इज द फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इन विच नाइदर द लेंथ नॉर द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल चेंजेस बिकॉज द अंडरलाइंग ब्लड डज नॉट अलाउ और परमिट द शॉर्टनिंग ऑफ द इंडिविजुअल कार्डियक मसल्स फाइबर. तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन को आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्यों कहा गया, क्योंकि इस फेज के दौरान ना तो इसके वॉल्यूम में परिवर्तन था ना ही इसकी लंबाई में, फाइबर्स की लंबाई में कोई परिवर्तन था. इस फेज का जो ड्यूरेशन है वो 0.05 सेकंड का है. तो आप सेकंड पॉइंट ड्यूरेशन, सारे फेजेस के ड्यूरेशन पढ़ लेने हैं, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.05 सेकंड का है. बेसिकली होता क्या है, तो अब आप सोचिए कि मैं आपको बता चुका हूं कि दो तरह के वॉल्व हैं, एक सेमिलुनर वॉल्व है और एक एवी वॉल्व है. तो जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में लगे हुए हैं, वो पहले से बंद हैं. जब ये फेज प्रारंभ हुआ तो सेमिलुनर वॉल्व बंद थे और जो एवी वॉल्व थे वो पूरे बंद नहीं थे. जो एवी वॉल्व थे वो पूरे वन नहीं थे, एवी मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच. तो इस फेज का नाम ही है क्या, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन. तो जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो वेंट्रिकल के जो अंदर का प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा, इज इट नॉट. और जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर आयोटा के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट इज 80 mm ऑफ HG को क्रॉस करेगा, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर आयोटा के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट इज 80 mm ऑफ HG को क्रॉस करेगा, तो जो एवी वॉल्व खुले थे आधे बंद थे वो पूरे बंद हो जाएंगे. ठीक है, तो सेमिलुनर वॉल्व पहले से बंद थे, एवी वॉल्व आधे बंद थे, जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन प्रारंभ हुआ प्रेशर बढ़ा और एवी वॉल्व बंद हो गए. जब दरवाजा बंद होता है तो आवाज उत्पन्न होती है, तो एवी वॉल्व के बंद होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड इस फेज में हमें सुनाई देती है. और ECG की जो आर वेव है, आर वेव का लेटर हाफ, बाद वाला आधा भाग है, वो इस फेज के साथ कोइंसाइड्स करता है. तो इसके चार पांच पॉइंट हैं. पहला पॉइंट, इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस फेज के दौरान ना तो इसके वॉल्यूम में ना ही इसके आयतन में परिवर्तन होता है. सेकंड पॉइंट, इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन 0.05 सेकंड का है. थर्ड पॉइंट कि इस फेज में होता क्या है, तो सेमिलुनर वॉल्व पहले से बंद थे, एवी वॉल्व आधे बंद थे, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ प्रेशर बढ़ा एवी वॉल्व बंद हो गए, जैसे ही प्रेशर 80 mm ऑफ HG से ज्यादा हुआ एवी वॉल्व पूर्ण रूप से बंद हो गए. तो वॉल्व बंद होंगे बिकॉज दे फर्मली और शार्पली क्लोज होते हैं, तो वॉल्व के फर्मली और शार्पली क्लोज होने की वजह से एक जो फर्स्ट हर्ट साउंड लब वो इस फेज में सुनाई देती है. अब हम बात करेंगे कि वो ECG की कौन सी वेव से जो इसके साथ कोइंसाइड करती है, तो लेटर हाफ ऑफ आर वेव जो है वो इसके साथ कोइंसाइड करता है. ठीक है, तो क्या हमने जो पिक्चर बनाई है अपने ब्रेन में वो क्या बनाई है, कि सेमिलुनर वॉल पहले से बंद थे, एवी वॉल अब बंद हो गए. ठीक है, अब क्या है कि जो नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट होगा उस फेज का नाम है फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन. तो पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, इस फेज को रैपिड इजेक्शन क्यों बोलते हैं. तो रैपिड इजेक्शन फेज को रैपिड इजेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड बहुत तेजी से एओर्टा में इजेक्ट होता है. तो जो स्पीड ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन है दैट इज रैपिड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैपिड इजेक्शन फेज. ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज रैपिडली इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल, दैट्स व्हाई दिस फेज इज नोन एज रैपिड इजेक्शन फेज. इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.10 सेकंड का था. आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन का 0.05 सेकंड का था, इसका 0.10 सेकंड का है. तो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर को क्रॉस करता है एवी वॉल्व बंद हो जाते हैं.
और सिमिलर वॉल जो है वो खुल जाते हैं। तो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही एओर्टा के प्रेशर को एक्सीड करता है, सिमिलर वॉल खुल जाते हैं। सिमिलर मतलब जो एओर्टा में लगे हुए थे वो खुल गए, और जैसे ही वो खुलेंगे, ओके, तो वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रेक्शन चल रहा है, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो बहुत तेजी से एओर्टा की ओर रश करेगा। ठीक है, तो ब्लड मूव्स और रैपिडली रशेस फ्रॉम एओर्टा एंड वेंट्रिकल टू एओर्टा, तो इसमें इजेक्शन बहुत तेजी से होता है। दैट्स वाई इस फेज को हम रैपिड इजेक्शन फेज कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 0.10 सेकेंड की होती है। तो जैसे जैसे वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में मूव करता जा रहा है, तो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और एओर्टा का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए इजेक्शन कंटिन्यू है और इसकी स्पीड भी ज्यादा है। ठीक है, और ये ईसीजी के एसटी सेगमेंट के साथ कंटिन्यू करता है। तो पहला पॉइंट, इसको रैपिड इजेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड का इजेक्शन बहुत तेजी से होता है। वेंट्रिकल से ब्लड बहुत तेजी से एओर्टा की ओर निकल रहा है, इसलिए इसको रैपिड इजेक्शन कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 0.10 सेकेंड का है। कितना है? 0.10 सेकेंड का। तो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर को एक्सीड करता है, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर को एक्सीड करता है, 80 mmHg क्रॉस करता है, सिमिलर वॉल्स खुल जाते हैं, और सिमिलर वॉल्व के खुलने की वजह से वेंट्रिकल से एओर्टा की ओर ब्लड बहुत तेजी से मूव करता है। जैसे जैसे ब्लड मूव कर रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने लग रहा है और एओर्टा का प्रेशर बढ़ने लग रहा है। ईसीजी की कौन सी वेव के साथ ये कोइंसाइड्स कर रहा है? एसटी सेगमेंट के साथ। फाइन, नाउ वी विल टॉक द रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। तो इसकी डेफिनेशन, इसको रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज क्यों कहते हैं? इन दिस फेज द रेट ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शंस फॉल्स एंड टोटल ब्लड इजेक्टेड इज लेस देन दैट ऑफ रैपिड इजेक्शन फेज। इस फेज के दौरान वेंट्रिकल से निकलने वाले फ्लड की जो इजेक्शन की जो स्पीड है और इजेक्शन का जो अमाउंट है वो रैपिड इजेक्शन फेज की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इसको रिड्यूस इजेक्शन फेज कहते हैं। तो जो इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 0.15, 15.15 सेकेंड का। तो जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन था वो 0.05 था, रैपिड इजेक्शन था 0.10 था, रिड्यूस इजेक्शन है जो 0.15 है। अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए वेंट्रिकल से एओर्टा की ओर ब्लड कंटिन्यूस निकल रहा है। लेकिन जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब दोनों के प्रेशर में अंतर, वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो कम होने लग रहा है। इसका बढ़ रहा है और इसका कम हो रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा ग्रेडियंट नहीं है, इसलिए जो ब्लड की जो स्पीड है निकलने की वो कंपेरेटिवली कम हो गई है, इसलिए इस फेस को वेंट्रिकुलर फेस ऑफ रिड्यूस इजेक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये फेस कब तक चलेगा? जब तक उन दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा। वो पॉइंट जिस पे प्रेशर सेम हो जाएगा, ब्लड इजेक्ट होना बंद हो जाएगा और ये फेस स्टॉप हो जाएगा, अगला फेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट इनसाइड विद द एंड ऑफ टी वेव, इट कोइंसाइड्स विद द टी वेव ऑफ ईसीजी। Got it? तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन नाम ही था आइसोवॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि इस फेस के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान वेंट्रिकल के ना तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन हो रहा था, ना ही इंडिविजुअल कार्डियक मसल्स फाइबर की लेंथ में कोई परिवर्तन हो रहा था। कैसे याद रखना था? सिमिलर वॉल्व बंद थे, एवी वॉल्व आधे बंद थे, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ, प्रेशर बढ़ा, एवी वॉल्व बंद हुए, बंद बहुत शार्पली और फर्मली होते हैं जिसकी वजह से एक आवाज होती है, उसे फर्स्ट हर्ट साउंड लब कहते हैं, और वो ईसीजी की आर वेव के साथ कोइंसाइड्स करता है। क्लियर? ओके, देन सेकेंड फेज, फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। तो रैपिड इजेक्शन फेज में जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा होता है, सेमिलर वॉल्व जो भी बंद थे वो अब खुल गए, और वो खुल गए तो वेंट्रिकल से एओर्टा की ओर ब्लड बहुत तेजी से गश कर रहा है, मूव कर रहा है, इसकी स्पीड ऑफ इजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से वेंट्रिकल के वॉल्यूम में रिमार्केबल और रैपिड रिडक्शन हो जाता है। रैपिड रिडक्शन, वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, भाई उसके अंदर से ब्लड निकल जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और इसका ड्यूरेशन 0.10 सेकेंड का है, और इसमें क्या हो, किसके साथ कोइंसाइड करता है? इस कोइंसाइड विद द एसटी सेगमेंट ऑफ ईसीजी। देन आई रिड्यूस इजेक्शन, अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर तो कम हो रहा है, एओर्टा का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए स्पीड ब्लड तो इजेक्ट हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड और निकलने वाले ब्लड का अमाउंट रैपिड इजेक्शन की अपेक्षा कम हो गई है, इसलिए इस फेज को रिड्यूस इजेक्शन फेज कहते हैं। ये फेज कब तक चलेगा? जब तक वेंट्रिकल और एओर्टा का प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल और एओर्टा का प्रेशर बराबर होगा, इजेक्शन स्टॉप हो जाएगा।
क्लियर, और न्यू फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ कोइंसाइड करता है, ये ईसीजी की टी वेव के साथ कोइंसाइड करता है। तो पहला वाला पॉइंट 0.5 सेकेंड, दूसरा वाला पॉइंट 10 सेकेंड, तीसरा वाला पॉइंट 15 सेकेंड, टोटल मिला कितना हुआ 0.3 सेकेंड, कितना हुआ 0.3 सेकेंड, एंड दैट इज द वेंट्रिकल सिस्टोल इन कार्डियक साइकिल। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड का, और डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड का, एट्रियम का जो सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड का, एट्रियम का जो डायस्टोल है वो 0.7 सेकेंड का। इज दैट क्लियर। उसके बाद आया प्रोटो डायस्टोल, तो नाम ही है इसका प्रोटो डायस्टोल, प्रोटो का मतलब पहले, तो क्योंकि ये स्टेज डायस्टोल के पहले की अवस्था है, रिलैक्सेशन के प्रारंभ होने से पहले की अवस्था है, इसलिए इस फेज को प्रोटो डायस्टोल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो डायस्टोल फेज। इस फेज में क्या ड्यूरेशन क्या है इसका? 0.04 सेकेंड। कितना है? 0.04 सेकेंड। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे ही दोनों का प्रेशर सेम होगा, दोनों मतलब वेंट्रिकल और एओर्टा का प्रेशर सेम होगा, वेंट्रिकल से ब्लड का एओर्टा की ओर निकलना, इजेक्ट होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जो एओर्टा के अंदर ब्लड है, एओर्टा के अंदर जो ब्लड है वो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वापस वेंट्रिकल की ओर गिरने की कोशिश करेगा, रास्ते में उसको सेमिनोडल वॉल्व खुले हुए मिलेंगे ऐसे करके, और ब्लड जब गिरेगा तो वो स्ट्राइक करेगा किस पे, सेमिनोडल वॉल्व की दीवार पे, और सेमिनोडल वॉल्व पट से बंद हो जाएंगे, और सेमिनोडल वॉल्व के बंद होने की वजह से ये एक आवाज उत्पन्न होगी, दैट इज सेकेंड हर्ट साउंड, दैट इज डब, दैट इज डब। ओके तो जैसे ही ये सेकंड हर्ट साउंड उत्पन्न हुई और दरवाजा बंद हुआ, ये जो प्रोटोडायस्टोल फेस है वो फिनिश कंप्लीट। उसके बाद क्या हो रहा है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो एबी वॉल्व तो पहले से बंद थे, पहले से ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन के टाइम से, और जो सेमिनोडल वॉल्व थे वो अब बंद हो गए। तो कोई पूछेगा सेमिनोडल वॉल्व कब बंद होते हैं? सेमिनोडल वॉल्व प्रोटोडायस्टोल के एंड में और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की बिगनिंग में बंद होते हैं, मतलब उनका बंद होना मतलब प्रोटोडायस्टोल बंद हो गया और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया, ये बताता है। तो फर्स्ट हर्ट साउंड कब उत्पन्न हो रही थी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में। सेकेंड हर्ट साउंड कब उत्पन्न हो रही है? प्रोटोडायस्टोल के एंड में या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फेज आया आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, तो इसका भी नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्यों? क्योंकि ये रिलैक्सेशन की, वो किसकी थी? कॉन्ट्रेक्शन की। रिलैक्सेशन की वो अवस्था है जिसमें ना तो वेंट्रिकल के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आता है, ना ही वेंट्रिकल के इंडिविजुअल कार्डियक मसल्स फाइबर की लंबाई में कोई परिवर्तन आता है, इसलिए इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.06 सेकंड का है। कितना? 0.06। प्रोडायस्टोल कितना था? 0.04। तो 0.04 और 0.06, 0.1, ठीक है। अब इसमें क्या था? इसमें भी जो सेमिनोडल वॉल्व थे वो स्टार्टिंग में ही बंद हो गए, एवी वॉल्व पहले से बंद थे। अब क्या हो रहा है? जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर रहा है। नाम क्या है इस फेस का? रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। जब चीजें रिलैक्स करेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स घटेगा। तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने लगता है। तो एओर्टा तो बंद हो चुका है, इसको लेने देना नहीं है। अब हम किससे कंपेयर करेंगे, किससे बढ़ेगा या घटेगा? जो ऊपर वाला कमरा है, एट्रियम से। तो जैसे जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रियम के प्रेशर मतलब जीरो हो जाता है, एट्रियम के प्रेशर को क्रॉस करता है, वैसे ही उनके बीच के जो वॉल्व थे, एवी वॉल्व जो थे, जो बंद थे, वो खुल जाते हैं। Got it? तो नाम ही है इसका आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो ये रिलैक्सेशन की वो अवस्था है जिसमें ना तो वेंट्रिकल के वॉल्यूम में और ना ही इंडिविजुअल कार्डियक मसल्स फाइबर की लंबाई में कोई परिवर्तन होता है। इसका ड्यूरेशन 0.0 सेकेंड का है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एवी वॉल्व पहले से बंद थे, सेमिनोडल वॉल्व इस फेज जैसे ही प्रारंभ हुआ तब बंद हो गए। तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करने से उनका प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम उसका प्रेशर किससे कंपेयर कर रहे हैं? एट्रियम से, कि एओर्टा से। किसे कंपेयर कर रहे हैं? एट्रियम से। और जैसे ही वो प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से कम होता है, क्या होता है? इसके जो बीच के वॉल्व थे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, वो वॉल्व खुल जाएंगे। जैसे ही वो वॉल्व खुलेंगे, ये फेस फिनिश बाय हो जाएगी, इसकी एंड हो जाएगा। तो इंट्रावेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल में एवी की एंडिंग कैसे मार्क होती है? एवी वॉल्व के खुलने की वजह से। ओके, फाइन। नेक्स्ट फेज आया रैपिड फिलिंग फेज। तो इस फेज का नाम ही है रैपिड फिलिंग फेज। तो व्हाई दिस इज नोन एज रैपिड फिलिंग फेज? तो जैसे ही एवी वॉल्व खुलते हैं, एवी वॉल्व कब खुले? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के एंड में। जैसे ही एवी वॉल्व खुलते हैं तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर एक गश के साथ जाता है।
ब्लड मूव्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल विद ए गश, गश मतलब स्पीड के साथ, और लगभग 70% फिलिंग जो है वेंट्रिकल की इस फेस में हो जाती है। कितने परसेंट? 70%। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.10 सेकेंड का है। कितने सेकेंड का है? 0.10 अर्थात 10 सेकेंड का है। ठीक है, तो हमें कुछ रटना वटना नहीं था। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रेसिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रेसिस्टेंस में एवी वॉल पहले से बंद थे, सेमिलर वॉल अब बंद हो गए, अब रिलैक्सेशन हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है। जैसे इनका प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से कम होगा, दरवाजा खुल जाएगा। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, एवी वॉल खुलेंगे, एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर ब्लड बहुत गश के साथ मूव करेगा। जब गश के साथ मूव करेगा, लगभग 70% फिलिंग वेंट्रिकल की इस फेस में हो जाती है। अब क्या होता है, वेंट्रिकल तो खाली था और ब्लड गश के साथ आ रहा है। एग्जाम्पल, खाली बाल्टी रखी और आप टंकी चला दो तो क्या होता है, आवाज होती ना टन पहले पहले, तो क्योंकि वेंट्रिकल खाली थे और वेंट्रिकल खाली होने की वजह से और ब्लड गश के साथ मूव कर रहा है, तो जो थर्ड हार्ट साउंड है वो इस फेस में हमको सुनाई देती है। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों सुनाई दी थी? एवी वॉल्व के बंद होने की वजह से आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में। सेकंड हार्ट साउंड कब सुनाई दी? प्रोटोडायस्टोल के एंड में सेमिलर वॉल्व के बंद होने की वजह से। थर्ड हार्ट साउंड कब सुनाई दी? रैपिड फिलिंग फेज में, जब ब्लड बहुत तेजी से गस के साथ मूव कर रहा है वेंट्रिकल में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है, क्योंकि वेंट्रिकल तो अभी खाली थे, वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एट्रियम का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है, एट्रियम का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन इन दोनों का इस फेस के अंत तक इन दोनों का डिफरेंस ग्रेडियंट ज्यादा बना रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड तेजी से मूव कर रहा है। नेक्स्ट फेज आया रिड्यूस फिलिंग फेज, तो दैट इज रिड्यूस फिलिंग फेज। वाई इट इज नोन एज रिड्यूस फिलिंग फेज? क्योंकि इस फेज के दौरान वेंट्रिकल के जो फिल करने की जो स्पीड है और जो अमाउंट है ब्लड का अमाउंट, वो काफी कम हो जाता है, इसलिए इसको रिड्यूस फिलिंग कहते हैं। तो लगभग 20% फिलिंग इस दिस फेज में हो जाती है। तो वेंट्रिकल के अंदर तो ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? एट्रियम से। तो एट्रियम का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में जो ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट है, डिफरेंस है, वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर मूव तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है और जो अमाउंट जो फ्लो हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली कम हो गया है, तो वेंट्रिकुलर इनफ्लो स्लो डाउन हो जाता है। लगभग कितने परसेंट फिलिंग होती है? 20%। इट्स कोइंसाइड विद द एंड ऑफ टी एंड बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट पी वेव ऑफ ईसीजी। ठीक है, नेक्स्ट आया लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो 90% वेंट्रिकल की जो फिलिंग थी वो अब हो चुकी है, कितने परसेंट बची है? 10%। तो अभी क्या है, प्रेशर डिफरेंस तो कुछ है नहीं, तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो जो ऊपर वाले कमरे हैं एट्रियम, वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी कुछ बचा कुचा ब्लड है वो सारा ब्लड छोड़ के कहाँ जाएगा, नीचे वाले कमरे में, वेंट्रिकल में। तो इसमें क्या होता है, एट्रियम के सिस्टोल की वजह से, बिकॉज ऑफ सिस्टोल ऑफ एट्रियम, जो ब्लड जो एट्रियम में था वो रैपिडली सारा कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में। इसलिए इस फेज को लास्ट रैपिड फिलिंग फेज कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.10 सेकेंड का होता है। तो जब कॉन्टेक्ट करेगा, सुकड़ेगा, तो एक आवाज होगी, दैट आवाज इज कोइंसाइड विद द फोर्थ हार्ट साउंड दैट कैन बी ट्रेस्ड विद द फोनोकार्डियोग्राम, जो कि आप कान से नहीं सुन सकते, ये सब मैं आपको हार्ट शंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इसके साथ क्या होता है, पी वेव ऑफ ईसीजी बिगिंस स्लाइटली बिफोर द आर्टेरियल कंट्रेक्शंस। ठीक है, तो ये 8 फेज है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आपको कैसे याद रखना है कि पहले वॉल्व्स पता है ना आपको, अगर वॉल्व पता है तो पूरी पिक्चर क्लियर। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन उससे क्यों कहते हैं, क्लियर। ड्यूरेशन 0.05। इसमें होता क्या है, एवी वॉल पहले से बंद थे, सेमिलर वॉल पहले से बंद थे, एवी वॉल बंद नहीं थे। जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन प्रारंभ हुआ, प्रेशर बढ़ा, एवी वॉल बंद हो गए, बंद होने की वजह से आवाज उत्पन्न हुई। जैसे ही एवी वेंट्रिकल के पेशेंट ने एओर्टा के प्रेशर को क्रॉस किया, जो सेमिलर वॉल बंद थे वो सेमिलर वॉल खुल गए। सेमिलर वॉल के खुल होने की वजह से अब वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, तो वेंट्रिकल से ब्लड तेजी से निकलेगा किसकी ओर, एओर्टा की ओर। कब तक निकलेगा, जब तक प्रेशर ज्यादा है, पहले पहले तेजी से निकलेगा, फिर धीमे धीमे निकलेगा। कब तक निकलेगा, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा। तो जो निकलना है दैट इज इजेक्शन, पहले पहले तेजी से निकल रहा था, रैपिडली इजेक्शन, फिर धीमे धीमे निकल रहा है, रिड्यूस इजेक्शन। ठीक है, जब रैपिडली इजेक्ट हो रहा था तो क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा,
और एओर्टा का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लेकिन अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है। फिर क्या होगा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट कम हो चुका है तो जो निकलने की जो स्पीड है वो कम हो चुकी है, तो इसे रिड्यूस इजेक्शन फेस कहेंगे। तो रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस इजेक्शन एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तीनों मिला के क्या बनाते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का जो कि आगे की स्टेज में आएगा। क्लियर। उसके बाद है प्रोटोडायस्टोल, नाम ही है इसका प्रोटोडायस्टोल क्योंकि डायस्टोल से पहले होता है। इसकी समय अवधि कितनी है, 0.04 सेकेंड की। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो अभी प्रेशर डिफरेंस तो खत्म हो गया, तो ब्लड जितना निकलना था वेंटिकल से एओर्टा की ओर वो निकल चुका, अब नहीं निकल रहा, लेकिन एओर्टा में जो ब्लड फंसा हुआ है वो ब्लड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगा वेंटिकल की ओर। रास्ते में उसको सेमिनल वॉल्व खुले हुए मिलेंगे, तो खुले हुए मिलेंगे तो वो इस पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा तो ये बॉल जो है वो आवाज के साथ बंद हो जाएंगे। दैट इज सेकेंड हार्ट साउंड जो कि प्रोटोडायस्टोल के एंड में फील होती है। अब नेक्स्ट फेज आया आइसोवॉल्यूमेट्रिक लक्सेशन, तो नाम ही इसका लक्सेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो इसके वॉल्यूम में परिवर्तन है ना ही इसके आयतन में। अभी भी एक बंद कमरा है क्योंकि एवी वॉल पहले से बंद थे, सेमिनल वॉल अब बंद हो गए, लेकिन हो क्या रहा है, रिलैक्सेशन। तो जैसे ही रिलैक्सेशन करते करते जैसे ही इसका प्रेशर किसका, वेंटिकल का, किसके प्रेशर से, आयोटा के नहीं, एट्रियम के, एट्रियम के प्रेशर से कम होगा, ये जो वॉल्व है कौन से वॉल्व, एवी वॉल्व जो भी बंद थे वो खुल जाएंगे। जैसे ही ये खुलेंगे जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है वो फेस स्टॉप हो जाएगा और न्यू फेस बिगिन हो जाएगा, दैट इज रैपिड फिलिंग फेस। ठीक है, व्हाई इट इज नोन एज रैपिड फिलिंग फेस, क्योंकि इस फेस में जो वेंट्रिकल के फिलिंग करने की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से होती है, लगभग 70% फिलिंग इस दिस फेस में हो जाती है। फिलिंग होने की वजह से एट्रियम का प्रेशर कम होने लग रहा है और वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने लग रहा है, लेकिन अभी भी वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है, इसकी वजह से फिलिंग कंटिन्यू है। जैसे खाली बाल्टी में पानी चलाते हैं आवाज होती है, इन द सेम वे ब्लड बहुत गश के साथ एम्प्टी वेंट्रिकल में जाता है, इसलिए थर्ड हार्ट साउंड आप फोनोकार्डियोग्राम के द्वारा इस फेस में ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस फिलिंग फेज, अभी भी एट्रियम का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए ब्लड फिल कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट कम हो गया है। इसका ड्यूरेशन 0.20 सेकेंड का, कितना, 0.20 सेकेंड का। इस फेज को डायस्टेसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डायस्टेसिस। ये एंड ऑफ टी वेव और नेक्स्ट ऑफ पी वेव, ईसीजी की टी वेव एंड और अगली पी वेव के प्रारंभ के बीच में कोइंसाइड्स करता है। ओके, नेक्स्ट आया लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, इसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का था, 0.1, तो इसका ड्यूरेशन भी 0.10 सेकंड का है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस खत्म हो चुका है इसलिए ब्लड प्रेशर की वजह से एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर नहीं आ रहा, तो अब एट्रियम क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा तो जो भी कुछ बचा कुचा ब्लड है वो एट्रियम के कॉन्टैक्ट होने की वजह से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो लगभग 10% फिलिंग एट्रियम कॉन्टेक्शन की वजह से इसमें होती है और इसलिए इसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, क्योंकि सिस्टोल कड़क कपड़ा निचोड़ो तो पानी सारा बह नीचे निकल जाता है, इन द सेम वे एट्रियम जब कॉन्टैक्ट किया तो सारा ब्लड बचा कुचा वेंट्रिकल में आ गया, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट करने से चिन हल्की सी एक आवाज होगी, दैट इज फोर्थ हार्ट साउंड दैट कैन बी ट्रेसेस इन फोनोकार्डियोग्राम। अंडरस्टैंड, रटना नहीं है इसको, पिक्चर अपने माइंड में बनानी है और क्लियर करना है, नहीं तो आप एक बुक लीजिए, बुक पे डायग्राम बनाइए कि पहले कौन सा वॉल्व खुला था, फिर कौन सा वॉल्व खुलेगा, कहाँ से ब्लड आएगा। तो कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन ही यही थी क्या, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन प्रेशर एंड फ्लो ऑफ ब्लड इन द चैम्बर एंड द ब्लड वेसल्स फ्रॉम बिटवीन टू सब्सिक्वेंट कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज कार्डियक साइकिल। ठीक है, ठीक है, और साइक्लिकल रिपीटिशन ऑफ वेरियस कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स, साइक्लिकल रिपीटिशन ऑफ वेरियस कोऑर्डिनेटेड इवेंट इन हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। तो ये जो इवेंट्स हैं, जो 8 घटनाएं हैं, वो कितनी देर में हो रही हैं, 0.8 सेकेंड में, लगातार होती रहती हैं, कब तक, जब तक हमारी सांसें चलेंगी। ठीक है, और इस 0.8 सेकेंड में क्या होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड का रिसीव करता है वेनस ब्लड, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो पंप आउट करता है, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन टिल द लाइफ साइकिल ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल। I wish your doubts or concepts are clear regarding the cardiac cycle. अगली सीरीज में, वीडियोस में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप रिवाइज करिए, याद करिए, नोट्स बनाइए और बने रहिए हमारे साथ शरीर ज्ञान के सफर पर, डॉक्टर ज्ञानेंद्र और डॉक्टर गगन के साथ। थैंक यू।